मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने उम्र और सेहत के मसाइल की वजह से ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया। कनाडा से वापसी पर 85 साल पोप फ्रांसिस का कहना था कि तवानाई महफूज रखना चाहता हूँ ताकि चर्च की खिदमत कर सकूँ। उम्र की वजह से ओहदा छोड़ने से मुतलिक सोचना होगा। मियां चन्नू के नुमाही गांव 136-16L में नासरी वेलफेयर ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर राशिद रियाज की जानिब से दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मसीह बरादरी की कसीर तादाद शिरकत की। तकरीब में मौजूद गरीब घरानों को नकद इमदाद और बाइबल का तोहफा नासरी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से दिया गया। लाहौर में मोटरसाइकिलें टकराने से दो नौजवान जाँ भग हो गए। हादसा इस्लामपुरा में पेश आया। बंद रोड पर तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 24 साल वसीम मसीह और 23 साल रजा मसीह जख्मी हो गए, जो बाद हजार दम तोड़ गए। नुकंडी में दो कारों के दरमियान तसादम हुआ, जिसके बायस 4 अफराद जाँ भग जबकि 13 जख्मी हो गए। जाँ भग अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। शिया उमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के नायब सदर सैयद मौजम शाहजहानिया से उनकी रिहाइश का टेंडर जहानिया हैदराबाद में। हैदराबाद हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के वफद ने महरम अल हराम की सिक्योरिटी और माधवी जलूसों की सहूलत के मुतालिक मुखी महेश चंद चेयरमैन हैदराबाद हिंदू कौंसिल पाकिस्तान की क्यादत में हैदराबाद हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के तमाम अराकीन की मुलाकात। गुज़श्ता रोज QBBFF की जानिब से कराची में बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से आए हुए बॉडी बिल्डर्स में सख्त मुकाबले हुए, जिसमें कराची से तल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी मसीही हैरिसन जोहरा वल्द याकूब मसीह ने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। एटर्नल लाइफ चर्च और इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट्स फॉर्म पाकिस्तान के जेर एहतमाम आइज़िक टेलीविजन के तावन से क्रिश्चियन मैरिज चर्च 1872 में शादी की उम्र में तरमीम के हवाले से 19 अगस्त 2022 बरोज जुमा बाबक सपहर 3 बजे बामकाम इंटरनल लाइफ चर्च कोट लखपत बहार कलोनी लाहौर में अहम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नामवर वकला हजरात पास्टर साहबान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी। खेल सफर शाही सेक्रेटरी जनरल PMRC ने अपने बयान में कहा है कि एक और मसीही अदारा क्रिश्चियन हस्पताल टेक्सला अपनी ना अहले नकमी और खुद के अकाउंट भरने वाली इंतजामिया की वजह से माशी वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रहा है। गुज़श्ता साल क्रिश्चियन हस्पताल टेक्सला में इंतजामिया खसूसन डॉक्टर अश्कनाज फैमिली की तरफ से की जाने वाली माली बेजाबतियों के हवाले से ठोस वाहिद के साथ मामले को उठाया था और लम्हा ब लम्हा इस अदारे को चलाने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेम्बरान को भी आगाह करते रहे, लेकिन उनके कान पर भी झूठ तक न रेंगी। कोई ठोस एक्शन न लिया गया। डायरेक्टर और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर के स्टाफ के साथ बदसलूकी का मामले पर भी बोर्ड का एक्शन न लेना बेजाहिर कर रहा है कि माली बेजाबतियों में बोर्ड भी पूरी तरफ मुलव्वस हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गिरजाघरों की सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए। सीनियर पुलिस अफसरान ने ड्यूटी पर तैनात अहलकारों को चेक और ड्यूटी के मुतालिक हदायत दी। इस मौका पर CPO शहजाद नदीम बुखारी ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन से कहा है कि इबादत के लिए गिरजाघरों में आने वाले अफराद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए उनसे खुश इखलाकी से पेश आया जाए। कैथलिक चर्च में फादर नासिर विलियम और फॉरेस्ट चीफ मोहम्मद तमासिब खान की सरबराही में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया और पौधे लगाए गए, जबकि वकारगिल तहसील मेंबर जावेद सागर याकूब की और दीगर साथियों ने इसमें शिरकत की। इस मौका पर मुल्क और कौम की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ भी की गई, जिसमें फॉरेस्ट स्टाफ ने भी शिरकत की।